गुड आफ्टरनून बच्चों, मार्च दयानंद पब्लिक इंटर कॉलेज परस्पर गोंडा में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के गणित विषय में तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, आवयोग। आवयोग में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को पढ़ेंगे। हम लोगों ने इनमें कुछ क्वेश्चन इसमें लगा दिए थे, अगर आप लोग देखें तो इसमें 7 क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं। प्रश्नावली 3.2 का 3.2 का आप लोग इसमें 7 क्वेश्चन लगा चुके थे। 8वां क्वेश्चन जो इसमें है, आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में इसमें पूछा है x तथा y ज्ञात कीजिए और आवयोग इसमें दिए गए हैं। देखिए आप लोग, x तथा y को हमें निकालना है। y बराबर 3.24 और 2x plus y बराबर 1-3.02 ये दिया गया है हमें और इसमें x और y हमें निकालना है। तो y तो आपका पहले से ही निकला है, इसमें क्या निकाल सकते हैं। x हमें निकालना है, ध्यान से देखें। x y का सही मान अगर हम इसमें रखें तो x यहां से निकल जाए, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x plus y की जगह पर ये रखेंगे तो 3.24 is equal to 1-3.02 ये मिल गया। तो 2x is equal to ये इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना है 1-3.02, ये पहले से ही यहाँ पर है, ये उधर जाएगा तो माइनस में निकल जाएगा 3.24। इस तरह तो 2x is equal to इसको घटा देंगे, 1 में से 3 जाएगा -2, 0 में से ये -2, -3 -1 -4 2 और -4 -2 ये हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, x is equal to 1/2 मैट्रिक्स -2 -2 -2 और -2 ये x का मान, तो इसको 2 से हमें भाग कर देना है, 2 से भाग करने वाले को हम उनसे मल्टीप्लाई है तो 2 से भाग होगा, पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 का सिर्फ 2 से डिवाइड तो -1, यहां पर -2 -2 -2 तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो x इक्वल टू इतना है और y हमें पहले से ही पता था, तो ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे। यह आपका 8वां क्वेश्चन है। इसके बाद में फिर आपका 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में भी आपको x और y का मान निकालना है, आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में आपको x y z और t का मान निकालना है, आप लोग इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में फिर 11वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है, ये भी आप निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से लगेगा जैसे कि नवा लगेगा। फिर 12वां क्वेश्चन, इसमें x y z और w का मान निकालना है, ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि 10वां लगेगा। ये छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। 13वां सवाल, इसका ठीक सवाल है ये हम बताएंगे आपको। तो 13वां सवाल अपन देखेंगे, इसमें ये आपको बता दें फिर इसको मिटा देते हैं। तो हम इसमें 13वां सवाल देखेंगे।
इसमें 13वें सवाल में fx दिया गया है, तो fx इज इक्वल टू कितना दिया गया है, cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 और फिर 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 की कोटि का एक आपको दिया गया है एक्स। तो ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कर रहा है कि fx cross fy is equal to f of x plus y, ये आपको प्रूव करना है। fx आपको दिया गया है, fy हम इसी की सहायता से लिख लेंगे और फिर LHS और RHS को हमें बराबर दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। तो ये LHS होगा इसका fx into fy, fx कितना है ये लिखा है, fx कितना है इधर लिख देते हैं, fx cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 इंटू एफ वाई। एफ वाई अगर हमें लिखना है तो जहां जहां पर यहां पर एफ एक्स में एक्स था वहां वहां पर इसमें वाई हो जाएगा, बाकी सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा साइन वाई, यहां पर हो जाएगा 0, फिर माइनस साइन वाई, यहां पर कॉस वाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1, ये हमारा है LHS। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, गुणनखंड आदि रो का आपको बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम एक रो को लेंगे, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक रो को एक कॉलम से इसको लेते हैं। तो cos x का cos y से मल्टीप्लाई, तो cos x cos y, फिर माइनस साइन x का साइन y से मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन x साइन y, फिर 0 का 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 ये 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब इसी रो को लेकर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos x का साइन माइनस साइन y से मल्टीप्लाई, तो माइनस cos x साइन y, माइनस साइन एक्स का कॉस वाई से मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, ऐसे ही फिर इस रो को लेकर इस कॉलम से मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो कॉस एक्स का 0 से मल्टीप्लाई 0, ठीक है, माइनस साइन एक्स का 0 से मल्टीप्लाई 0, और फिर 0 का 1 से मल्टीप्लाई भी 0, इसलिए यहां पर ओवल और 0 + 0 + 0 हो जाएगा इस तरह से। फिर ऐसे दूसरा रो लीजिए, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, दूसरे रो को लेकर, तो साइन एक्स को कॉस वाई से, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स को साइन वाई से, तो प्लस लगाकर कॉस एक्स साइन वाई, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही इस कॉलम को लेंगे, तो साइन एक्स का साइन वाई से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसे ही कॉस एक्स का कॉस वाई से मल्टीप्लाई, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर 0 से 0 का मल्टीप्लाई, तो 0, ऐसे ही यहाँ पर 0 से 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 से 0 का मल्टीप्लाई 0, इससे करेंगे साइन एक्स का 0 से मल्टीप्लाई 0, कॉस एक्स का 0 से मल्टीप्लाई
जीरो और जीरो का वन से मल्टीप्लाई जीरो, तो इसलिए यहाँ भी हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब तीसरा रो लिखेंगे, तो तीसरा रो लिखेंगे तो इस रो को हमें लेना है और फिर से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो जीरो इंटू कॉस बाई जीरो, जीरो इंटू साइन बाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। फिर इसी रो को इससे मल्टीप्लाई, तो जीरो इंटू माइनस साइन बाई जीरो, जीरो इंटू कॉस बाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, ये भी पूरा जीरो। फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, और वन इंटू वन वन, तो ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स। अब इसको हम सिंपल लिख लेंगे, ये देखिए आपको लिखा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, तो एक कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स प्लस cos x plus y का फार्मूला लिखा है। ऐसे ही यहाँ पर देखें, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर cos x sin y plus sin x cos y आ जाएगा, तो sin a plus b का फार्मूला लिखा है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और sin x plus y ये लिखा, माइनस कॉमन लेने पर अंदर पूरा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर तो पूरा जीरो है। ऐसे ही ये sin x cos y plus cos x sin y, तो ये sin x plus y लिखा हुआ है, sin x plus y, यहाँ पर देखें तो sin x sin y plus cos x cos y, cos x cos y minus sin x sin y, तो cos x plus y लिखा हुआ है, ये है cos x plus y, ये जीरो, ऐसे ही वन, ये हमारा LHS आ गया, LHS आपका कर दिया। अब हमें क्या लिखना है RHS, तो इसको समीकरण एक मान लीजिए, ये LHS हमारा RHS को लिखेंगे, तो RHS बराबर क्या है F इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो RHS कैसे लिखेंगे, जब इंटू एक्स प्लस वाई लिखना है तो x plus y जहां जहां पर यहां पर x है वहां वहां पर हम x plus y लिख देंगे, बस हमारा RHS हो जाएगा, तो ये यहां पर हो जाएगा कितना, जहां पर x है ये हो जाएगा cos x plus y, ये हो जाएगा minus sin x plus y, ये हो जाएगा zero, यहां पर sin x plus y, यहां पर cos x plus y, यहाँ पर जीरो, और इसके बाद में फिर यहाँ पर जीरो जीरो, ये समीकरण तो है हमारा आरएचएस। तो अगर आपको देखें तो एलएचएस भी और आरएचएस भी सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन चल सकता है। ये क्वेश्चन आपको नोट कर, और मल्टीप्लीकेशन पर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि पहले एक रो को लेते हैं, तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है। फिर दूसरे रो को लेते हैं, तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रो आता है। फिर तीसरे रो को लेते हैं, फिर से ऐसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ये पूरा हो गया। इसके बाद में मतलब क्वेश्चन करेंगे, ये आपको कहा, तो बच्चों इसमें आप लोगों ने 13वां सवाल लगा लिया, इसके बाद में 14वां सवाल आपका इसमें प्रूव करने के लिए है। दो सवाल 14वां में दो पार्ट दिए गए हैं, इसमें आपको प्रूव करना है कि पहला LHS RHS के इक्वल नहीं, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके आराम से प्रूव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके दोनों पार्ट हो जाएगा। 14वां तो बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लाई करना इसमें,
फिर पंद्रहवा सवाल, पंद्रहवा सवाल इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो इसको हम लगाएंगे, देखिए पंद्रहवा सवाल, पंद्रहवा सवाल से आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप अभी 13 तक देखिए, पंद्रहवें सवाल से आपको आगे बताया जाएगा।